हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बनाएंगे हम मसाला डोसा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मसाला डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं। आलू को मैंने बॉईल करके छोटा छोटा कट किया है। उसके बाद मैंने प्याज लिया है दो, उसको मैंने रफली कट किया है। उसके बाद मैंने धनिया लिया है थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता लिया है। उसके बाद मैंने ये हरी मिर्च ली है, और ये जीरा लिया है आधा चम्मच, और ये आधा चम्मच मस्टर्ड सीड लिए, और ये कस्तूरी मेथी ली है, कसूरी मेथी ली है, और ये हल्दी पाउडर ली है, और ये हींग ली है। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया, अब मैं गैस ऑन कर दूंगी और पैन को थोड़ी देर गर्म कर लूंगी। यहाँ पे पैन जो हमारा गर्म हो गया, अब मैं इसमें तेल ऐड कर दूंगी। तो तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद इसके मसाले जो ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो तेल गर्म हो गया, हमें इसमें ऐड करूंगी जीरा। जीरा ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूंगी मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड ऐड करने के बाद मैं ऐड करूंगी कड़ी पत्ता। यहाँ पर मैंने मिर्च डाल दी है, मिर्च को मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। इसके बाद मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी। अब मैं प्याज को ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हींग ऐड कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे आलू ऐड कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी ऐड करूंगी, ज्यादा नहीं करनी है। फिर नमक ऐड कर दूंगी, नमक जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। अगर आपको अच्छा वाला फ्लेवर चाहिए मसाले डोसे में, तो आप थोड़ा सा गर्म मसाला जो ऐड कर सकते हो। अब मैं इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 2 मिनट के लिए पका लूँगी। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है रेडी हो गया। अब मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी। मसाला बनाते टाइम हमें आलू जो है वो थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट रखने हैं, ताकि वो अच्छे से मैश हो जाए, उससे जो हमारा मसाला अच्छा बनेगा। मसाला जो मेरा बनकर रेडी हो गया है, अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी और फिर अपने बैटर को तैयार करूँगी। डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे उड़द की दाल और चावल का यूज़ किया है, उसको मैंने रात को ही पानी में भिगो दिया था। अब मैं इसको यहाँ पे ग्राइंड कर लूँगी। ये तवा गर्म हो गया मेरा, अब मैं इसको पानी पे छींटा मार के चेक कर लूँगी। तो यहाँ पे तवा जो गर्म हो गया है, अब मैं बैटर को डोसा बनाना स्टार्ट कर दूँगी। जितना बड़ा तवा हो उतना बड़ा फैला सकते हो आप इसको। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फैलता है। बैटर की कंसिस्टेंसी जो वो हमने मीडियम रखनी है, ना तो ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, मीडियम सी होनी चाहिए। यहाँ पे साइड साइड में ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा तेल लगाऊंगी, उससे क्या होगा डोसा जो है वो इजीली स्लिप हो जाएगा। स्टफिंग करने वाली साइड को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, उसको थोड़ा सा हल्का सा ही पकाना है। मैंने स्टफिंग कर दी है, अब मैं इसको ऐसे पलट दूंगी, ऐसे क्रंची सूख जाएगा, चिपके हुए सूख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो डोसा जो वो एकदम से क्रिस्पी बना है, देखने में बहुत अच्छा सा लग रहा है। अगर आपको मेरे डोसे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी घर पर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी डोसे की रेसिपी कैसी बनी थी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई नई रेसिपी जो है वो देखने को मिलेंगी। थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर जो है ब्राउन सा हो गया है, अच्छा सा मतलब एक क्रिस्पी सा बन गया है। तो अब मैं इसको सर्व कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।